नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, जिसमें भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं और उत्तरायण होते हैं। भगवान सूर्य जी को जल अर्पित करना तो इस दिन बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस दिन बहुत कुछ नियम लिए जाते हैं, जिससे हमें 1000 लाख गुना फ़ायदे होते हैं, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। उन्हीं में से एक नियम है मांग भरवाने का नियम लेना। मांग भरवाने का नियम आप इस दिन से उठा सकते हैं। इस दिन एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए और किसी भी सुहागन स्त्री से अपनी मांग में सिंदूर लगवाएं। इस प्रकार आपको हर महीने की 14 तारीख को मांग भरवाने का यह नियम लेना है और साथ में आप जिससे मांग भरवाएंगे उसको एक सिंदूर की डिब्बी, कुछ दक्षिणा, एक बिंदी का पत्ता और मिठाई दे दीजिए, क्योंकि बिंदी देना भी इस दिन बहुत ज़रूरी है। सिंदूर अकेले नहीं दिया जाता, इसके साथ बिंदी सिंदूर जरूर दें, जिससे कि 4 वस्तुएं हो जाएंगी। अगर आप केवल सिंदूर, पैसे और मिठाई देते हैं तो वो 3 वस्तुएं हो जाएंगी। 3 चीज़ें देना शुभ नहीं होता। 4 की संख्या करने के लिए साथ में एक आप बिंदी का पत्ता भी लगा दीजिए। इस प्रकार मांग भरवाने का नियम लिया जाता है। 14 सुहागन औरतों से एक साल में आपको मांग भरवाने का यह नियम लेना है। उसके बाद उद्यापन करना है। उद्यापन में आप साड़ी ले लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए, कुछ भी आप सुहाग का सामान ले लीजिए, लेकिन इसमें सिंदूर की डब्बी आपको जरूर लेनी है और साथ में हो सके तो एक जेंट्स पैंट शर्ट का कपड़ा ले लीजिए। साड़ी, पैंट शर्ट का कपड़ा, पैसे, मेकअप का सामान, खाने पीने का सामान ले लीजिए। सिंदूर की डब्बी इसमें जरूर लेनी है और यह सब मिनस कर आप अपनी ननद को दे दीजिए, सासू माँ को दे दीजिए या आप अपनी सहेली को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, मांग भरवाने का नियम सकरात पर उठाया जाता है। 1 वर्ष तक इस नियम को निभाते हैं 14 सुहागन स्त्रियों द्वारा। तो फ्रेंड्स, मांग भरवाने का यह नियम इस बार आप अवश्य ही उठाएं, बहुत इजी है और इसका उद्यापन भी अवश्य ही करें। अगर इससे पहले कोई नियम लिया हुआ है तो पहले आप उसका उद्यापन कर लीजिए, फिर यह नियम शुरू कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।